तो बंधुरा आज के भिडियोटी देखो सैमसंग जे 250 तो एर एफआरपी लक आछे तो ये अनलक करब एफआरपी अनलक तो सैमसंग मॉडल जे 250 जेटा जे 218 बोले तो ये कीभावे अनलक करछे देखे नीन। देखते पाच्छेन फोनटी इमेल आईडी पासवर्ड चाहिए किन्तु एटा कस्टमारे जाना नहीं एफआरपी लक आछे एटा तो एटाके आमी एखन अनलक करब। तो आमी होम बोतामटा 3 बार एकसाथे प्रेस कर लाम टकबैक अन हो गेलो। तो एखाने आमी एल करब एल एखाने एबार आमी टकबैक सेटिंगे जाब तारपरे आमी आबार होम बोतामटा 3 बार प्रेस करब टकबैकटा अफ हो गेलो। एबार आमी नीचे चले जाब एखाने गिये गेट एंड एक्सेसिस तो क्रोम आमार ओपन हो गेलो एखाने आमी एबार सार्च करब VNROM बाईपास प्रथमटाई ओपन करे नेब। एफआरपी भेरम डाउनलोड कर निलाम एरपरे एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड कर नेब। এটা একটা খুবই সহজ পদ্ধতি বন্ধুরা স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে এটা কোনো ব্যাপারই নয় আনলক করার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে আনলক করছি। এফএফপি ভেরম ভাইরাস আমার ডাউনলোড হচ্ছে এপেক্স লঞ্চার ডাউনলোড হয়ে গেছে। तो डाउनलोड हो गए हमें एबार इन्स्टल कर नेब। डाउनलोड हो गए इन्स्टल हो गए एबारे आमी एपेक्स लॉन्चर टा इन्स्टल करब। এবার আমি এটা ওপেন করব। এখন দেখছেন বন্ধুরা ফোনটি আমার হোম পেজ চলে এসেছে অ্যাপস চলে এসেছে কিন্তু এখানে আমার ফোনটি এখনো আনলক হয়নি এখানে কিছু প্রসেস বাকি আছে। लॉक एंड स्क्रीन सिक्योरिटी अनदर सिक्योरिटी डिवाइस एडमिनिस्टर इटे हमें डिएक्टिवेट करब। एप्स गए हमें एखे दुखाना एप्स
डिजेबल करब गूगल प्ले सर्विस एंड गूगल प्ले स्टोर। तो एप्स दुटो आमी डिजेबल कर निलाम। तो एबारे आमी जाब सेटिंगे गिए अकाउंट सेटिंग एखाने गिए अकाउंट गूगल गूगले टच करे एखाने आमी इमेल आईडी पासवर्ड बसाबो। तो बंधुरा एखाने आपनारा आपनादेर जे इमेल आईडी पासवर्ड आछे बा जे कारो इमेल आईडी पासवर्ड बसाते पारेन। तो एखाने आमी आमारटा बसिए निच्छि, बसानो हये गेछे। तो गूगल अकाउंट ऐड हो गए। एबारे आमी एप्से आबार जाब गिए ओखाने जे एप्स दुटो डिजेबल करेछिलाम ओटाके आमी आबार एनेबल करब। এর ফোনটাকে আমি রিস্টার্ট করে নিচ্ছি। এবারে আমি নেক্সট নেক্সট করে অন করে নিচ্ছি। তো অ্যাকাউন্ট আমার অ্যাড হয়ে গেছে। তো মোবাইল অন হয়ে গেছে আমার। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। আমার ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য ধন্যবাদ।